जो चोरी हुई थी और आज फिर रात में है वो ही देखा गया। और अभी आप देख सकते हैं कि जो सीआई साहब है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आप कब कब चेक करते हैं उसको? चार दिन से, तीन से करते हैं। तीन चार दिन से। जब अभी हमने दो दिन पहले जब यहाँ हमें सूचना मिली थी तब हम यहाँ आए थे, उसके बाद आपने चेक किया? सर मना कर दिया था। सर ने मना कर दिया। मटका मारेंगे कोई मत जो अंदर बचाना ऐसा हाल लगा के मुझे ऐसा ये हवेली बंदे भाई की सामान वामान कुछ है नहीं इसमें। अभी चीज ध्यान रखो। अभी सेठ जी है ना, सेठ जी है, आप मालिक। अब आप दर्शन क्या है ये जो दिख रहा है इससे पता लग रहा है कोई ना कोई इंटर हुआ ही। हाँ 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 इस चीज को साबित कर रहा है। खाले भी टूटे हुए। अब तो आप देख सकते हैं इसमें जो है पैरों के निशान हैं, जो पहले आए थे तब से कमरा है वो लॉक करके रखा गया था। देखिए अभी हमको सूचना मिली थी कि जांगड़ हॉस्पिटल के पास एक पुरानी हवेली है, उसमें बाहर का ताला तो लग रहा है लेकिन अंदर एक साड़ी खंभे से ऊपर से बांध करके लटकी हुई है और चोरी की वारदात कोई या चोर अंदर हो सकते हैं। इस पर हम तुरंत ही जाप्ता लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। हमने इस चीज़ को खुलवा के चेक किया। चेक करने पे देखा कि एक कमरे का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। दो दिन पहले भी इन लोगों ने हमें सूचना दी थी कि इसी तरह की कोई चोरी हुई है, ताला टूटा, लेकिन कोई सामान चोरी नहीं हुआ। इन्होंने जो बताया सामान बिखरा हुआ है, ताले भी टूटे हुए हैं। आज भी हम चारों तरफ से हमने देखा है पूरे घर को, पुरानी हवेली को, आसपास ऊपर नीचे चढ़ के, अभी तक हमें कोई ऐसे एविडेंस मिले नहीं है। फिर भी हम गहनता से जांच कर रहे कि ये सामान कैसे, कौन अंदर आया, कैसे आया, कौन लोग हो सकते हैं अंदर। एक कमरे में हमको ज़रूर फुटप्रिंट देख रहे हैं, उन फुटप्रिंटों के भी हम MOB की टीम बुला करके लेंगे और हम जल्दी इस बारे में तलाश करेंगे और जो भी होगा अनुसंधान से बिल्कुल साफ करते हैं। हाँ तो सर बताइए, ये जो चोरी हुई है उसके मामले में आप इसके जो मालिक है तो आपको कब पता चला और क्या क्या है आपके सामने आया वो बताइए। दो रोज पहले पता चला तो मैंने मेरे लड़के को भेजा था यहाँ, वो देख करके चला गया। वो पुलिस वगैरह आई थी, वो भी देख करके चली गई। फिर परसों मैं खुद आया था और वो जो प्रदीप जी अपने हवलदार हैं उनसे बात हुई थी हमारी, तो वो झुंझुनू गए हुए थे, बोले मैं आ रहा हूँ करके शाम तक नहीं आए। फिर मैं वापस चला गया, सिक्कर रहता हूँ मैं। फिर आज आया मैं, तो आज आया तो वो प्रदीप जी ने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन हमने रिपोर्ट लिख दी है, अब जब भी वो चोर पकड़ा जाएगा तब हम आपको बुला लेंगे। फिर मैं मकान पे आया, मकान को देखने के लिए भी क्या क्या नहीं है, तो मकान पे आया तो अंदर से ताला लगा हुआ, साँकली लगी हुई थी अंदर से। फिर हमने पुलिस को बुलाया और आगे की कार्रवाई। तो सर तीन दिन पहले चोरी हुई थी और आज फिर हुई है। हाँ। और बताया जा रहा है कि अंदर जो तिजोरी है उनको भी मतलब छेड़ा गया, हिलाया गया उसको। हाँ। अंदर सब तिजोरी आलमारी सब को छेड़ा गया है, तो आलमारी वगैरह तोड़ दी गई है और तिजोरी उनसे टूटी नहीं है। जो पहले जो मकानों के ताले बचे हुए थे उनको भी तोड़ा गया है क्या? आज तोड़ा गया है। तो छत पे भी चार मकान है उनके भी ताले टूटे हैं चारों के, आज पहले नहीं टूटे थे आज टूटे हैं। और जो कुछ सामान है वो भी चोरी हुआ है क्या आज फिर से? आज वो देखने पे पता चलेगा, अभी देख रहा हूँ मैं। अच्छा, आप सामान देखने पे पता चलेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद।